चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना धीरे धीरे दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में पैर पसार चुका है। कोरोना का कहर चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा है। वहां अब तक 366 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि चीन में कोरोना के नए केसों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। कोरोना से चीन में सोमवार को 22 और लोगों की मौत हुई। इस तरह अब तक वहां 3119 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के 43 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से पॉजिटिव 3 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। केरल में एक 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बच्चा हाल ही में अपने परिवार के साथ इटली से आया था। वहीं जम्मू में भी 63 वर्षीय महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। महिला हाल ही में ईरान की यात्रा करके लौटी थी। यस बैंक पर छाए आर्थिक संकट के बीच को फाउंडर राणा कपूर और उनके परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जा रहा है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक एजेंसियों की तरफ से धोखाधड़ी के मामले में राणा कपूर के साथ साथ पत्नी बिंदु कपूर और 3 बेटियों के नाम शामिल है। ईडी पहले इस मामले में राणा कपूर को हिरासत में ले चुकी है और पूछताछ कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। एफआईआर के मुताबिक यस बैंक मामले में आईपीसी की धारा 420 120 बी सेक्शन 7 12 13 2 समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने 12 मार्च को अब तक की सबसे बड़ी दांडी यात्रा का आयोजन किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अपने हिस्सा लेने के लिए गुजरात पहुंचेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी दिल्ली में इन दिनों होने वाली हिंसा की घटनाओं के खिलाफ गांधी जी के अहिंसा का संदेश दे सकते हैं। आपको बता दें कि 12 मार्च 1930 को ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जो अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। दांडी मार्च को इस साल 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। 27 दिनों में यह 386 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस 27 दिन की पदयात्रा में शामिल होंगे। नागरिकता संशोधन कानून सीए के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों का सार्वजनिक स्थल पर पोस्टर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए पोस्टर्स और होर्डिंग हटाने का आदेश दिया है। आपको याद है कि महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील देते हुए कहा था कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि आगे इस तरह का प्रयास न किया जाए। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट दलील से सहमत नहीं हुआ। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हिंसा के दौरान नामजद लोगों के नाम, पते और फोटो को भी सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है। बॉक्स ऑफिस पर कोरोना वायरस का असर नहीं दिख रहा है। टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख स्टार फिल्म बागी 3 की बहस अब सिंगल स्क्रीन से चलकर मेट्रो शहर तक पहुंच गई है। शुक्रवार रिलीज हुई फिल्म के लिए वीकेंड काफी शानदार रहा। शनिवार को कलेक्शन गिरावट देखे जाने के बाद रविवार को फिल्म ने वापसी की। इस वापसी की वजह से वीकेंड में बागी 3 का कलेक्शन 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 का फाइनल मुकाबला भारत हार गया है। भारतीय टीम को खिताबी मुकाबले में 85 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आपको याद है कि पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ऑस्ट्रेलियाई टीम ने किया, जिसके बाद 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 184 रन बनाए थे। कंगारू टीम की ओर से ओपनर बैथ मुनी ने नाबाद 78 रन की पारी खेली थी। 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 19वें ओवर में ही 99 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 33 रन दीप्ति शर्मा ने बनाए।